नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति, रसायन, भौतिक और चिकित्सा। नोबेल पुरस्कार की राशि 6 करोड़ है और नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अभी तक भारत के 9 व्यक्तियों को मिल चुका है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, सेकंड सीवी रमन 1930 भौतिक, थर्ड हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा, फोर्थ मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में, फिफ्थ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिक के क्षेत्र में, सिक्स्थ अमृत सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सेवन्थ वी एस नायपाल 2001 साहित्य के क्षेत्र में, एट्थ वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 रसायन के क्षेत्र में, नाइन्थ केला सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में। गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए चुना जा चुका है, परंतु नोबेल पुरस्कार के लिए 1 बार भी चुना नहीं गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम क्यूरी 1903-1911 भौतिक और रसायन में, लीनस पोलिंग 1954-1962 रसायन और शांति में, जॉन वार्डिन 1956-1972 दोनों बार भौतिक के क्षेत्र में, फेंड्रिंग सेंगर 1958-1980 दोनों बार रसायन के क्षेत्र में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944, 1963। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार आर्थर अस्किन 1940-1942 दो बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।